हाँ माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना मेरे आज हमारी रोटी जो है ना कौन सा लाल आटा और सफ़ेद आटे की मिक्स से, क्योंकि आटा ख़त्म था तो सुबह सुबह मैंने कहा क्या करें तो फिर इससे लिए। और इधर देखिए हमारा पराठा बन के रेडी हो चुका है, बस साथ में अंडे हैं और पराठे हैं आज हमारे घर में। चाय तो आपको पता है चाचू भी नहीं पीते, सिर्फ मैं और सुनारा तो नहीं पियेंगे। और ये पार्सल जो है ना ये जा रहा है इंडिया के लिए, ये 7 फ्रूट है, 4 ये फिर ये, और ये वाला जो है ना ये जा रहा है USA उनके, क्योंकि स्टिच होने थे तो ये भी हो गए, बस ये करवाते हैं। और इम्तियाज पे जाना है, वहाँ पे मेरा शैम्पू वगैरह कंडीशनर खत्म है, वो लेते हैं फिर घर वापस आती है। एक का करवा रहे आज अमीरू आज, नहीं ये नहीं, ये नहीं लेना आप ही के लिए, दूसरा लेते। यहाँ से मैंने इसके लिए फादिया के लिए एक ट्राउज़र लिया और ना ये वाली कमीज, वापस जा रहे हैं कुर्बानी के लिए चलते हैं वापस। मैंने अपने लिए सैलेट लिया तो मशरूम के लिए, और इस टाइम हम लोग बाहर निकल चुके हैं, ये मैडम यह बच्चों ने अपने बस खाने पीने की, मैंने सैलेट लिया तो वो शैम्पू कंडीशनर लेने आए थे और इतना सारा हो गया। कहते हैं ना एक चीज़ लेने आओ तो उसके बाद फिर सामान बढ़ता ही जाता है, तो बस बढ़ता ही गया। पर है ना मैंने एक पुराना चम्मच लिया है और ओलिविया का आज मैं कलर लेके आई हूँ डाई, क्योंकि दिलवर के जो है ना रेड कलर उन्होंने किया है, ब्राउन अजीब सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा सबसे पहले ना उनके कलर ही ब्लैक किए जाए। बस आने के बाद आप पहले बनाइए गर्मा गर्म चाय, ये देखिए मेरी चाय कैसे उबल रही है मज़ेदार सी, चाय पीती हूँ उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या पकाते हैं। भाई इस टाइम जो है ना मैं चाचू के लिए खाना बनाने जैसे ही किचन में गई तो ना हमारा गैस चला गया, और अब है ना तो ये वाला जो है ना मैंने कलर किया है, तो इस पर मुझे इतना कि तुमने इसमें क्या मिक्स कर दिया क्या, और ये देखे मेरे हाथ भी कैसे हो गए, कि फिर भी ना कदर नहीं है, प्यार की कदर नहीं है मेरे की, क्या कर सकते हैं अब तो है ना, सख्ती से ही कदर करवानी पड़ेगी वरना वैसे। तो कह रहे क्या इसमें ना डाला है, मैंने कहा मैंने इसमें वो डाला है कि आपका दिमाग ठीक हो जाए, और ये मेरे नेल पूरे ख़राब हो गए, मेरे हाथ ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी ना बंदे को है ना समझ नहीं आनी। और यहाँ पर माशाल्लाह से फादिया ने उसको देखो उठा, दोनों ने आज येलो येलो पहना हुआ, इसे कैसे ऐसे सुला दिया, ऐसा मैंने पैर के साथ हाथ लगा, अच्छा पैर से उठाया फिर अपना पलटा दी कूद गए। अगर इसने पीछी कर दी तो फिर ये ना बोलना कि सुनहरा अगर इसने पीछी की तो ये बोले मम्मा उठा लो, फिर नहीं उठाना, हम भी उठाएंगे, ठीक है, नहीं 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 किसी कर रहा है, किसी करने दो भाई को, किसी चलें जी। आज की जो हमारी शॉपिंग थी ना वहाँ पर मैं नहीं दिखा पाई, यहाँ से ले ये मैंने दुआ का लिया, मुझे ना इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ है ना ये गला अच्छा लगा है, क्योंकि एक ज़माने में ना मेरे भी ऐसे गले होते थे तो मैं ये लेती थी गले, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ ये है और साथ में फादिया का ये वाला ट्राउज़र लिया और ये उसका कुर्ता लिया, इस दफ़ा ना इम्तियाज़ में अलग अलग थे, ये देखिए यहाँ पर भी और इसके बाजू पर भी इसका काम है, तो ये मुझे अच्छा लगा, कलर भी फादिया का ये नहीं था, ये बहुत अच्छा है। और साथ में एक मीर का ले लिया था मैंने, ये देखिए, और जो घर में दो छोटे बेबी हैं दोनों का मैंने सेम लिया, ताकि ये ना अभी बहन ये ना कहे कि नंद के बेटे के लिए अच्छा लिया, और नंद ना ये ना कहे कि अपने भांजे के लिए अच्छा लिया बहन के बेटे के लिए और मेरे लिए नहीं, तो ये मैंने दोनों का उनकी क्योंकि फर्स्ट ईद है तो ये उन दोनों के लिए मैंने, और ये मेरे हाथ देखे अभी तक भी ना कलर क्योंकि थोड़ा सा बाद में लग गया था। और मेरी अपनी जो शॉपिंग थी ना वो ये थी, ये देखे एक मेरा ये मेरा कंडीशनर और ये मेरा शैम्पू, ये मेरी चीज़ तीन चीज़ें और तीनों एक साथ, ये तकरीबन 2 से 3 मंथ ये मेरा आराम से चल जाता है, मेरे और फादिया की और दुआ का, ये हम तीनों का जो है ना 3 मंथ आराम से चल जाता है, और ये तो खैर जल्दी ख़त्म हो जाता है लेकिन ये ज़्यादा चलता है, ये दो चीज़ें हैं ना फिर चलती हमारी ख़त्म हो जाती हैं। बस आज ये थोड़ी सी शॉपिंग थी और बच्चों की बाकी की जो चीज़ें वो इंशाल्लाह फिर कभी, अभी मेरा एक अबाया भी लेना है, मुझे पता चला है कि ना गल्फ़ मार्केट में ना एक अबायों की वहाँ पे अबायों की दुकान है, वहाँ पे अच्छे अबाय मिलते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से लेने जाऊँगी वो भी। और उसके अलावा आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्सल थे कितने दिन से पड़े हुए थे, टाइम ही नहीं मुझे लग रहा था जाने का, और कुछ कल पंजाब से है वो भी थोड़ा लेट हो गया था तो वो भी कल आ गया, तो फिर आज दोनों एक साथ ही मैंने डिलीवर कर दिए, इंशाल्लाह उनको
पाँच से छः दिन में मिलेगा। दुबई वाला तो शायद जल्दी चला जाए, लेकिन जो यूएसए का था वो जो है ना उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी उसके अलावा घर की कोई भी एक्टिविटी आज नहीं दिखा पाई, क्योंकि बाहर चले गए, बाहर से थके हारे हैं। फिर बस पहले दिलबर के साथ लाइव, फिर उसके बाद मैंने अपनी लाइव की थी, चाय वाय पी, खाना वाना खाया, ये सारा कुछ इससे में चला गया। अभी बच्चे सो गए तो सोचा कि जाके ये अपनी चीज़ें भी, अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ, और साथ साथ है ना आप लोगों को ये सारा कुछ दिखाते हैं, गपशप भी हो जाएगी। गर्मी की शिद्दत जो है ना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किचन में ना जाने का यकीन माने दिल ही नहीं करता कि बंदा किचन में जाए। और कुछ भी नहीं, बस ये रेगुलर रूटीन है, रोज़ की रूटीन है जो कि हमारी चल रही है। आगे भी इंशाल्लाह अच्छे चलेगी, और सब यही कि फादिया की पढ़ाई पे फोकस। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि फादिया का जो है ना DHA में करवाना, और उनके जो है ना अगस्त में ना उनका न्यू जो होता है ना एडमिशन वगैरह वो शुरू होंगे, तो अगस्त तक उसका तो ये है। अभी वो हमजा नहीं है और स्कूल की टाइमिंग भी थोड़ी जो है ना डिफरेंट है, तो वो अकेली जा नहीं रही ट्यूशन के लिए। बाकी कारी साहब माशाल्लाह रोज़ आते हैं, आधा घंटा उसका जो होता है ना वो उसका पूरा फोकस जो होता है ना अपनी पढ़ाई पर होता है। बाकी इंशाल्लाह आगे जैसे ही इसका एडमिशन होगा तो फिर है ना स्कूल में ही लग जाएगी। बाकी मैंने उसे कराटों का कहा, मैंने कहा चली जाओ, तो मैं इसके पापा को कह के इसको छोड़ के आया, तो वो कहती है नहीं मुझे चोट लग जाएगी। फिर मैंने कहा स्विमिंग का, तो कहती है नहीं मैं डूब जाऊँगी। मतलब ये, लेकिन जो है ना DHA में हफ्ते में ना एक दिन उनका कराटों का होता है, और अलग से ना वो स्विमिंग सिखाती है, और उसकी पे जो होते हैं ना वो अलग करते हैं, हर मंथ करो या एक मंथ करके आप छोड़ दो, तो वो तो उसका स्कूल में हो जाएगा। और कराटों का भी यही है कि अलग से आपको फ़ीस वगैरह मेरे ख्याल में है, सुमेरा ने भरी थी फ़ीस उनकी, और जो है ना उनको कॉस्ट्यूम अलग से लेना पड़ता है, तो वो इंशाल्लाह लेके दूंगी। हमजा साथ होगा तो उसका फिर ये भी है कि जहन हो जाएगा, और भी सारे बच्चों के लिए एक हमजा की शॉपिंग नहीं की, तो इंशाल्लाह जब हमजा भी आएगा उसको भी मैं लेकर दूंगी। बाकी मैंने अपनी अभी तक शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैं अभी इंतज़ार में हूँ कि मेरे हस्बैंड ले जाए मुझे और ख़ुद शॉपिंग करवाएं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस दफ़ा ना उनके अच्छे खासे पैसे खर्च करवाए जाए, अपना बैग भी, शूज़ भी, और ईद के कपड़े भी। तो देखिए कब लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने अपने नहीं लिए, बच्चों की सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, बाकी अपने भी इंशाल्लाह अभी तो ईद में है ना टाइम, वो भी लेंगे, साथ साथ बकरा भी लेना है। हमें बकरा खड़ा करने की कहीं पे जगह नहीं मिल रही हमारे, क्योंकि जो बिल्डिंग है ना इसके 5th फ्लोर पर है, तो वहाँ पे 5th फ्लोर पर कौन चढ़ेगा, ये ना कि वो बेचारा सारा दिन है ना भूखा ही रह जाए। नहीं ये तो नहीं करना, लेकिन कुछ ना कुछ करना तो है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो फिलहाल तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर वो करती हूँ, बाकी जो सुबह की एक्टिविटी होगी वो दिखाऊँगी, वरना इसी के साथ फिर मेरा एंड भी हो जाएगा, एंड वैसे मैं सुबह करूँगी। बाकी अभी के लिए यही चीज़ें थी, और बातें कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई मेरी। चलें जी मैं अपनी वीडियो के साथ एंड जो है ना मूसा के साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अल्लाह हाफिज़ नहीं किया था तो अल्लाह हाफिज़ उसी के साथ करती हूँ।